हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दुबई बेस जो मेहंदी है वो बताने वाली हूँ, बट हम लोग डायरेक्ट एडवांस में नहीं जाएंगे। मैं एकदम आज का जो मेरा वीडियो है वो सिंपल एंड क्विक क्रिएशन पे रहेगा। एकदम सिंपल डिज़ाइन बताने वाली हूँ और ईजी भी रहेगी वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसको आउटलाइन बॉर्डर जो है थोड़ा थिक बॉर्डर दिया है। वापस से अगेन मैंने एक सिंपल बॉर्डर देके लंबे लंबे मैं यहाँ पे स्केल्प ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद स्पाइरल मैंने ड्रॉ किया है और अगेन स्मॉल वाले जो है स्केल्प, डबल स्केल्प ले रही हूँ। इस तरीके से आपको भी डबल स्केल्प की लाइन लेनी है और सिंगल सिंगल जो है ब्रॉड जो डार्क डॉट है वो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। उसके बाद थ्री लीव्स, इसी तरीके से सेम वापस आपको उसके अपोजिट यही चीज ड्रॉ करनी है। सो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है और बहुत यूनिक भी है और आपको बनाने में भी बहुत इजी होगी। सो आप देख सकते हो कि हम लोग जैसे दुबई डिज़ाइन बनाते हैं तो दुबई डिज़ाइन में जो रहती है एक मेन चीज़ जो है उसमें शेप्स नहीं आते हैं। सो दुबई बेस्ड जो मेहंदी रहती है उसमें ओनली फॉर फ्लावर्स एंड लीव्स का क्रिएशन रहता है। सो आप देख सकते हो कि मैं फ्लावर्स ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एंड लीव्स के कहीं कहीं पे यूज़ करूँगी। अभी यहाँ पे मैं लीव्स कंप्लीट कर रही हूँ फ्लावर्स के बाद। तो कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हो तो उसके पहले हम लोगों को उस डिज़ाइन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है उन लोगों को भी बता देती हूँ कि दुबई मेहंदी जो रहती है वो ओनली फॉर फ्लावर्स एंड लीव्स से ही बनती है। उसमें कोई भी शेप्स आप इंक्लूड नहीं करते और कोई भी शेप हम लोग बनाते हैं तो वो जो रहता है फिर फ्लोरल में आ जाता है, वो दुबई मेहंदी नहीं होती। दुबई मेहंदी में एकदम सिंपल और क्विक क्रिएशन ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स की क्रिएशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की लीव्स होती है। यहाँ पे अगेन मैं हाफ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक वापस से बॉर्डर लिया है, सिंगल बॉर्डर एंड स्केल्प। इस तरीके से कंप्लीट लाइन की है मैंने, वापस से स्पाइरल करके स्केल्प ली है, फिर डबल लाइन स्केल्प की। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो आपकी डॉट है वो एकदम अच्छे से प्रेस आपको करने हैं। प्रेसिंग के बाद ही आपको कोन को उठा के आपको निकालने हैं। जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी में जैसे डॉट्स लगाते हो तो वो डॉट्स जो है एकदम क्लेरिटी से नहीं आते, तो आपको उसको बहुत आराम से यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस आज जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ बहुत सिंपल है। मैं इसी तरह की मैं दुबई डिज़ाइन जो है मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में मैं आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैंने स्टार्टिंग किया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए थे मैम दुबई मेहंदी बताओ करके। सो दुबई मेहंदी का मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैं एकदम नॉर्मल और सिंपल क्रिएशन बता रही हूँ। हम लोग धीरे धीरे करके सारे क्रिएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के कवर करेंगे। इस तरीके से मैं डिज़ाइन को कनेक्ट करके लीव्स बना रही हूँ। और जिन लोगों को लीव्स नहीं आती है तो मैंने लीव्स का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, डिफरेंट टाइप की जो लीव्स है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिनको नहीं आती वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे सर्कल के अंदर मुझे थोड़ा सा गेप लग रहा था तो मैंने एक छोटा सा स्मॉल फ्लावर ऐड किया है। आप चाहो तो इसके अंदर ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हो, सर्कल भी ऐड कर सकते हो, या शेड देना है तो आप शेड भी दे सकते हो। इस तरीके से एंड पार्ट में मैं वापस से यहाँ पे लीव्स ऐड कर रही हूँ। स्मॉल स्मॉल डॉट एंड सेंटर में मैं थोड़ा सा बड़ा वाला डॉट ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया है मैंने।
और सबसे मेन चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, दुबई मेहंदी में आपको जो गैपिंग है वो आपको परफेक्ट रखना है, जो सारी डिज़ाइन है वो एक दूसरे के अंदर मैशअप नहीं होनी चाहिए, थोड़ा उसके बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका अच्छा डिस्टेंस होगा, डिज़ाइन आपकी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, तो डिज़ाइन आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल बनेगी। डिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बंच पूरा ऊपर बना रहे हो, एक पूरा नीचे बना रहे हो पाम में, और पूरा आपने हैंड खाली रखा है, तो ऐसा भी नहीं। आपका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस रखना है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, ना ज़्यादा ज़्यादा लगाना है। तो जैसा आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, एक बंच जब आपका रेडी हो जाए उसके बाद ही आपको दूसरे डिज़ाइन का मेजरमेंट करके ही आपको गैपिंग रखनी है, क्योंकि इसमें आपकी गैपिंग पूरी अच्छे से होना बहुत जरूरी। जितनी अच्छी गैपिंग रहेगी, जितने अच्छे डिजाइन्स के सेटअप रहेंगे, डिज़ाइन आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने वाली है। सो वापस से मैं वही डिज़ाइन रिपीट कर रही हूँ। एक डिज़ाइन हम लोग जब बनाते हैं दुबई में, वही डिज़ाइन हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक एंड इजी स्टाइल है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10-15 मिनट्स में आप किसी को भी लगा सकते हो, इजीली 10-15 मिनट्स में ये कवर हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, बट नॉर्मल डिज़ाइन है इसमें आराम से आपको 10-15 मिनट्स में ये डिज़ाइन आपको कवर कर सकते हो। बहुत जल्दी है, आपको कोई क्रिएशन अगर माइंड में नहीं है, सो इस टाइप के आप सिंपल सिंपल जो डिज़ाइन है वो आप जल्दी से 10-15 मिनट्स में आप कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट मेरी जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, डन हो चुकी है। आप देख रहे हो फिंगर पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हाँ, मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।